श्रीमती नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है शिवसेना के दो तीन खासदारों ने आज किसानों के ऊपर बात की है। पहले तो उनसे मैंने मुझे हम महाराष्ट्र की जनता उन्हें प्रश्न विचार रही है कि सदन में आने के बाद आप किसानों के लिए बात करते हैं, पर जिन युति में वो सरकार को मेजोरिटी दी है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने पोस्ट के लिए वो करके आप अपना विषय किसानों के लिए आप अपना मैं... अगर अगर किसानों के लालच नहीं है किसानों के लिए मान्य सदस्य अपना विषय बोला अपन अपने विषय मांडू। मुझे लगता है कि पद अगर किसानों के लिए इतना प्यार इतनी सहानुभूति है तो वहाँ पर सरकार फॉर्म करनी थी और किसानों में जो आज गीला महाअकाल हमारे महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो इसके पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा राष्ट्रपति शासन लागू करने में तो ये शिवसेना वालों के लिए है। खुद का स्वार्थ, खुद का घर अगर ना ध्यान में रखते तो मुझे लगता है किसानों के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ, किसानों के हित में वो सरकार को मेजोरिटी के सपोर्ट भी कर सकती हूँ। आज नहीं, नहीं, आज आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। मुझे किसानों के बारे में बात करना है, मुझे आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आप किसान की बात करें, आज तालुके में घूम घूम के पूरे जिले के हर एक तालुके में घूम घूम के जब देखा है सोयाबीन, कपास, मूंग, धान्य, हर चीज का मेजर नुकसान वहां पर हुआ है और आज हमारे राज्य को कोई माए बाप नहीं है। तो इसलिए मैं केंद्र को बोलूंगी कि हमारे राज्य के माए बाप सिर्फ केंद्र है, तो केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के लिए 50,000 करोड़ की आपने मदद करना चाहिए जिससे हमारे किसान के घर चल सके, उनके दुख में कहीं नहीं चिराग जलाने की एक राह अगर देनी है तो वो केंद्र से।